नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्विक मीडिया। दोस्तों, आईपीएल 2021 का 46वां मुकाबला दिल्ली बनाम मुंबई के बीच खेला जाएगा। मैच से पहले ऋषभ पंत ने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुंबई और रोहित शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में मुंबई की टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है और अभी तक उसके प्लेऑफ में जाने का कंफर्मेशन भी नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, अब अगला मुकाबला उसका दिल्ली के साथ होने वाला है। दिल्ली बेहद ही अच्छा प्रदर्शन करके अभी तक काफ़ी आगे निकल चुकी है। ऐसे में अगले मैच में दिल्ली का सामना मुंबई से होने वाला है। यह आईपीएल का 46वां मुकाबला होने वाला है। यह मुकाबला मुंबई के नज़रिए से बेहद ज़रूरी मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यह मुकाबला कब मुंबई हारती है तो प्लेऑफ में जाने के उसके चांसेस भी बहुत ही कम हो जाएंगे। दोस्तों, बात करें अगर दिल्ली की टीम की तो दिल्ली लगभग प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, उसको अब ज़्यादा मुकाबले जीतने भी नहीं है। ऐसे में इसको किसी भी बात की चिंता नहीं होगी इस मुकाबले को लेकर। लेकिन मुंबई के पास एक बड़ा सवाल है, जो कि उसे यह जीतना मुकाबला जीतना बेहद ज़रूरी और अगर प्लेऑफ में जाना है इससे पहले दिल्ली के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, जब पंत ने कहा कि अगर दिल्ली को यह मुकाबला जीतना है तो रोहित शर्मा को खामोश रहना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा जिस शैली के बल्लेबाज हैं वह अकेले में ही जीतने का दम रखते हैं और मुंबई के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद ज़रूरी भी है। ऐसे में रोहित शर्मा अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली को अपने एक नए प्लान के साथ उतरना होगा और रोहित को रोकना होगा। अगर रोहित इस मुकाबले में रुकेंगे तभी हमारी जीत होगी, अन्यथा यह मुकाबला जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि हम एक नए प्लान के साथ आगे और रोहित शर्मा को रोकने की पूरी प्रयास करेंगे, क्योंकि मुकाबला जीतने के लिए रोहित को बेहद रोकना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।